बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल जी। व्यूअर्स, आज की जो डिश है वो बहुत ही फेमस है। पंजाब की मशहूर तरीन कढ़ी पकौड़ा है। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये और सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और नाम सुनते ही, खट्टी खट्टी कढ़ी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो ये कैसे बनाऊँगी मैं, आप इस वीडियो में देखेंगे। और इसको किस किस्म का तड़का इसमें लगता है और किस किस्म के पकोड़े इसमें शामिल किए जाते हैं, कैसे पकोड़े इस कढ़ी में अच्छे लगते हैं, वो बनाना मैं बताऊंगी। तो आपने वीडियो को फॉलो करना है और कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। इंशाल्लाह आपकी कढ़ी जो है वो बनकर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी और सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने दही लिया है, इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। हाफ ग्लास में इसमें पानी शामिल करूंगी और 5 tablespoon इसमें मैं बेसन शामिल करूंगी। व्यूअर्स, मैं इसको ब्लेंडर में इसलिए मिक्स कर रही हूं ताकि अच्छी तरह से बेसन इसमें मिक्स हो जाए, कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अब वैसे अगर अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं तो वैसे कर लें, लेकिन ब्लेंडर में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। एक फ्लेम ऑन करते हैं, एक देगची लेते हैं। ज़रा बड़ी देगची आपने लेनी है ताकि इजी से उसमें बन जाए। अब ब्लेंड की हुई जो लस्सी है वो हम इसमें डाल देंगे जी। लस्सी जो है वो बहुत थिक है, हम इसमें 6 glass जो है हम वाटर डालेंगे इसमें। इसको आपने पहले पतले ही रखना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता पक के ये जो है थिक हो जाए। अगर आप पहले थिक इसको रखेंगे तो वो जल्दी से जो पकेगी तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, बेसन का कच्चापन रहेगा। तो आपने इसमें पानी ज़रूर शामिल करना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पक के थिक हो। एक दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, फाइन चॉप जिसे कहते हैं। 1 tablespoon इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा। दरमियाने साइज़ की टमाटर है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तीन अदद हरी मिर्चें हैं, बारीक चॉप कर लिया मैंने उसको। आपने इसको साथ साथ हलाते रहना है, हलाना बहुत ज़रूरी है। 2 tablespoon इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल इसलिए हमने शामिल किया है इसमें ताकि जो है ये उबल कर बाहर ना आ जाए, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा, लस्सी जो है वो बहुत ज़्यादा उबलती है। 1/2 tablespoon इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। आपने साथ साथ इसको हलाते रहना है ताकि बेसन जो है वो नीचे बैठे नहीं, नहीं तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। हलाना बहुत ज़रूरी है साथ साथ। 1/2 tablespoon इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। हल्दी मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा शामिल की है, उसका कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 tablespoon सॉल्ट, 1/2 tablespoon। अब हम मिक्स करके इसको पकने के लिए रख देते हैं। जब एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे फिर ये पकती रहेगी। ये देखें, थिक होना शुरू हो गई है ये। ये देखेंगे आफ्टर 15 minutes ऐसी हो गई है। अभी ये इतनी थिक नहीं हुई, अभी हमने इसको और पकाना है। हम इसको एक साइड पे रख देते हैं चूल्हे पे मीडियम फ्लेम करके, और साथ हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं।
मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के पोटैटो लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। आपने बारीक काटना है ताकि गल जाएं जल्दी से। आधी प्याली मैं इसमें बेसन शामिल करूंगी। 1 अदद प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो इसमें जाएगा। 2 अदद ग्रीन मिर्चें बारीक काट ली हैं इसको भी। 3 धनिया इसमें जाएगा, 3 टेबलस्पून। 1/2 टेबलस्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। 1/2 धनिया ज़रूर शामिल करना है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं पानी डाल के। आपने एकदम से पानी जो है वो ज़्यादा नहीं डाल देना ताकि पतला बैटर ना हो। आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह का टेक्सचर होगा। हमने इसको ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है, क्योंकि हमने इसमें टिक्की पकौड़ा बनाने हैं, दूसरे पकौड़े नहीं बनाने जिसका हम बेसन थिक रखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें पकौड़े बनाते हैं। आपने एक स्पून ले लेना है, उसकी मदद से टिक्की पकौड़ा बनाने हैं इसमें, वो ही इसमें अच्छे लगते हैं। मैंने इसमें इन पकौड़ों में आलू शामिल किए हैं। कुछ लोग जो हैं वो बेसन, खाली बेसन के पकौड़े बनाना पसंद करते हैं, तो आप वो बना लें, आपकी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी बना लें जो आपको अच्छे लगते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। देखिए हो चुके हैं, अब इनकी हम साइड चेंज करते हैं। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कोई मिस्टेक है या कोई और आप डिश जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का जो बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, ये बिल्कुल फ्री है। अब हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी सारे पकोड़े भी रेडी कर लेंगे। अब जी दूसरी तरफ हम आते हैं। आधी प्याली मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है जिसको मैं गर्म कर लूँगी अच्छी तरह से। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी और इसको मैं भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी ज़ीरे को। जब ब्राउन हो जाए ज़ीरा तो अब आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको कढ़ी में डाल देना है। वाह, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये फ्लेवर इसका। देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी रंगत लग रही है। वाह, वेरी नाइस। अब हम इसमें जो हैं वो पकोड़े शामिल करते हैं जो हमने बना के रख लिए हैं।
इसको देख के यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो इससे बचने के लिए आप जल्दी से इसको बनाना शुरू करें और सबको खुश करें। जी हमारी करी रेडी है और हम सर्विंग पे आ जाते हैं। इसके ऊपर गरम मसाला जो है वो छिड़क देंगे, पिसा हुआ गरम मसाला। अब ग्रीन धनिया है। सर्विंग पे भी आपने फोकस करना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू है, बहुत ही मज़ेदार है ये, खट्टी खट्टी है। इंशाल्लाह जो जिसको भी आप बना के देंगे वो खुश हो जाएगा और आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। थैंक्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। शुक्रिया।